हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ और आप देख रहे हैं DFS सर्कल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, यानी डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो हम पहले बात करते हैं डीमैट अकाउंट की। पॉइंट नंबर वन है, डीमैट अकाउंट कन्वर्टिंग योर फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, यानी अगर आपके पास फिजिकल शेयर है तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले के टाइम में जो होते थे वो शेयर्स जो थे वो एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिलते थे। अब उन सर्टिफिकेट का क्या होता था, सालों साल के लिए जब आदमी रखता था उसमें होल्ड कर लेता था शेयर्स को, तो या तो वो गल जाते थे या उन्हें चूहे काट देते थे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो उस सारी प्रॉब्लम को खत्म किया डीमैट अकाउंट ने। डीमैट अकाउंट में अगर आपके पास 10 साल के शेयर हैं या 20 साल या 30 साल 40 साल कितने टाइम के लिए भी आपने होल्ड किए, तो शेयर ऐसे ही मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, ठीक है, ना कटेंगे ना फटेंगे ना गलेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर टू है, होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो डीमैट का काम होता है आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करना, पकड़ के रखना सालों साल तक के लिए, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए या सालों साल तक के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री है, डीमैट अकाउंट इज आल्सो नोन एज डीमेटरलाइजिंग अकाउंट, या आप ये कह सकते हो कि डीमैट अकाउंट का जो पूरा नाम है वो है डीमेटरलाइजिंग अकाउंट। और डीमेटरलाइजिंग का मतलब होता है नो पेपर वर्क, ओनली इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो यह पेपर वर्क के हेडेक को दूर कर देता है, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर है, डीमैट अकाउंट विल हैव यूनिक डीमैट अकाउंट नंबर। डीमैट अकाउंट के पास अपना एक यूनिक अकाउंट नंबर होता है, बिल्कुल अनोखा, जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है पूरी दुनिया में अनोखा ही तो होता है, अगर कोई आपको कॉल लगाएगा तो आपको ही लगेगा। तो जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ आपके पास ही है मोबाइल नंबर और किसी के पास नहीं है दुनिया में, इसी तरह डीमैट अकाउंट का जो नंबर होता है, तो अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट ओपन कराया है तो उसमें एक यूनिक नंबर मिलता है अनोखा, जो सिर्फ आपके ही डीमैट अकाउंट पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे आपका नंबर 10 डिजिट का होता है, 10 अंकों का होता है, ऐसे ही डीमैट अकाउंट 16 अंकों का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, डीमैट अकाउंट कैन होल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड, शेयर्स, ETF, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो डीमैट अकाउंट क्या क्या होल्ड कर सकता है, तो डीमैट अकाउंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो कौन कौन से सिक्योरिटीज़ या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, वो सिक्योरिटीज़ या इंस्ट्रूमेंट एक ही बात होती है। हम डीमैट अकाउंट में क्या क्या होल्ड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड होल्ड कर सकते हो, शेयर्स, आप शेयर्स भी होल्ड कर सकते हो, जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, कोई सा भी शेयर्स हो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो आप होल्ड कर सकते हो डीमैट अकाउंट में, ठीक है। आप ETF भी होल्ड कर सकते हो। अब ये ETF क्या होता है, ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ये एक जगह पैसा लगाकर अलग अलग जगहों पर लगाती है, सिल्वर, गोल्ड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, हर जगह लगाती है, ये इसका मेन काम होता है डाइवर्सिफिकेशन का, ठीक है, वो ETF होता है। बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स भी होल्ड कर सकते हो आप डीमैट अकाउंट के अंदर, ठीक है। बॉन्ड्स मतलब एक तरह से आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, मैं सिंपल भाषा में यह बता दे रहा हूँ, इनसे फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और डीमैट अकाउंट में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होल्ड कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी SGB मतलब सोवरन गोल्ड बॉन्ड। अब क्या होता है, सोवरन गोल्ड में ये होता है कि आपको सरकार 2.5% इंटरेस्ट देती है, और सिर्फ यही नहीं, अब मार्केट में जो गोल्ड की वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ती जाती है वो भी मिलती है, प्लस सरकार आपको 2.5% अलग से दे देती है इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप क्या क्या होल्ड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, ETF, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, ये चीज़ें होल्ड कर सकते हो आप डीमैट अकाउंट में। अब बात करते हैं इसके नेचर की, तो डीमैट अकाउंट जो वर्क जस्ट एज अ सेविंग अकाउंट, लाइक सेविंग अकाउंट होल्ड मनी। तो इसका जो नेचर होता है डीमैट अकाउंट का, ये एक तरह से सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे सेविंग अकाउंट किस काम आता है, होल्ड करने के मनी, इसी तरह डीमैट अकाउंट भी शेयर्स को होल्ड करने के काम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। पहला पॉइंट है, यूज टू बाय एंड सेल शेयर्स इन स्टॉक मार्केट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है शेयर्स को बाय और सेल करना, ठीक है, बाय और सेल करना। लेकिन अगर आप उसे एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए या सालों साल के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी डीमैट अकाउंट की। पॉइंट नंबर टू है, यूनिक ट्रेडिंग नंबर यूज टू ट्रेड इन शेयर्स। जैसे डीमैट अकाउंट का एक यूनिक नंबर होता है, ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट का भी एक यूनिक नंबर होता है, अनोखा नंबर होता है, ठीक है। वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन बैंक अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो एक लिंक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है डीमैट अकाउंट को और बैंक अकाउंट को। तो वो कैसे करता है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये आपका बैंक अकाउंट है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और ये आपका डीमैट अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट से हमने पैसे ट्रांसफ़र किए ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या है, शेयर्स को बाय और सेल करना, खरीदना बेचना ट्रेडिंग अकाउंट का काम है। अगर आपने बाय और सेल कर लिए, लेकिन आप चाहते हो कि शेयर्स को होल्ड करना एक दिन के लिए, दो दिन के लिए या सालों साल के लिए, तो वहाँ काम आएगा डीमैट अकाउंट का, ठीक है। पैसे ट्रांसफर किए ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट ने क्या किया, शेयर्स को बाय किया, और डीमैट अकाउंट ने क्या किया, डीमैट अकाउंट ने उस शेयर्स को होल्ड किया अपने पास, चाहे वो एक दिन के लिए हो या सालों साल के लिए। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अलाउ यू टू कैरी आउट इन ट्रांजेक्शन इन द स्टॉक मार्केट। जैसे मैंने अभी बताया कि ये ट्रांजेक्शन के काम आता है, तो आप ये बाय सेल जो करते हो वो एक ट्रांजेक्शन होता है एक तरह का, ठीक है। आपने कितना बाय किया, कितना सेल किया, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन है ये। अब नेचर क्या होता है, जैसे डीमैट अकाउंट का नेचर तो सेविंग अकाउंट की तरह था, होल्ड करना, और इसका करंट अकाउंट की तरह होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर जस्ट लाइक अ करंट अकाउंट। अब मैं फिर से यहाँ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि आपके जो डाउट हैं बच्चे हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। अभी ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट के बीच एक लिंक का काम कर रहा है। तो इसमें क्या हो, बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट से आ गए ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। आपने चाहे गूगल पे यूज़ किया हो या नेफ्ट यूज़ किया हो या RTGS यूज़ किया हो या फ़ोन पे यूज़ किया हो, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। जैसे ही आपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डाले, ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है बाय करना शेयर्स को, बाय सेल करना, खरीदना या बेचना। अगर आपने बाय करे शेयर्स, आज ही बाय करे, आज ही सेल कर दिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम यहाँ तक है, लेकिन यहाँ डीमैट अकाउंट का काम नहीं पड़ा। आपने आज ही शेयर्स बाय किए और आज ही सेल कर दिए, तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट तक का काम है। लेकिन आप चाहते हो कि ये शेयर्स मैं होल्ड कर लूँ एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, सालों साल के लिए, तो वहाँ काम आता है डीमैट अकाउंट का, ठीक है। डीमैट अकाउंट होल्ड करता है शेयर्स को आपके, ठीक है, आपको एलिजिबल या परमिशन देता है होल्ड करने की। लेकिन आपने खाली ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप ये डीमैट में होल्ड नहीं कर सकते अकाउंट, ठीक है, तो आप शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते। वैसे तो आज के टाइम में ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट एक ही बार में खुल जाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट अलग खुलवाना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट भी अलग खुलवा सकते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका पर्पस है आज ही बाय करना, आज ही सेल करना, खाली इंट्राडे करना, आपको होल्ड करना नहीं है, सिर्फ इंट्राडे करना है, तो उस केस में आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन अगर आपको होल्ड करना है शेयर, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, दोनों साथ में खुलवाना चाहिए। जब आप अकाउंट ओपन करते हो या करवाते हो तो वहाँ आपको चॉइस मिलती है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करना चाहते हो या डीमैट अकाउंट भी चाहते हो साथ में, तो आप वहाँ पे अपने चॉइस का कोई नहीं कर सकते हो। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, बैंक अकाउंट का काम है ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे भेजना, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का काम है बाय और सेल करना, शेयर्स को बाय करना। अब शेयर्स को बाय कर लिया और आप रखना चाहते हो शेयर्स को एक दिन के लिए, दो दिन के लिए या सालों साल के लिए, तो वहाँ डीमैट अकाउंट का काम होता है होल्ड करना, ठीक है, शेयर्स को होल्ड करना, पकड़ के रखना उसे। जब आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या आपका 5 सेकंड का वीडियो, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर भी चाहिए क्योंकि उस पर OTP आते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की या इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है आपको अकाउंट ओपन करते टाइम। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का।